हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जोधपुर के फेमस भवानी दाल बाटी का वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भवानी दाल बाटी जोधपुर व उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए काफी पॉपुलर है। ये भवानी दाल बाटी की स्पेशल थाली है जिसमें दो बाटी दाल, चूरमे का लड्डू, प्याज, नींबू व लहसुन की चटनी दी जाती है। इसके साथ ही मिर्ची का कुट्टा भी दिया जाता है। ये बाटी लाल गेहूं से बनाई गई है जिसे काफी अच्छी तरह से सेका गया है। ये दिखने में ही काफी लाजवाब थी। बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट करते हुए आइए आज आपको भवानी दाल बाटी का स्वाद कैसा है बताते हैं। दाल बाटी राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है। इसको चूर के खाना ही बहुत अच्छा लगता है। बाटी में दाल व चटनी मिलाने के बाद घी भी डाल दिया गया। अब इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें नींबू डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब मैंने ली इसमें स्वाद के लिए थोड़ी सी मिर्ची जो दिखने में ही काफी अच्छी बनी हुई थी। इन सब को बाटी को चूर के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए काफी अच्छा सीटिंग स्पेस है और यहाँ पर हर सीट पर पंखा लगा हुआ है। ये खाने में काफी लाजवाब थी और प्याज के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, ये खाने में काफी अच्छी है। आप इसे खूब इंजॉय करेंगे और इनकी रेट भी काफी रीजनेबल है। इनकी दाल में भी काफी तरह के मसाले डाले गए थे, ये स्वाद में काफी अच्छी थी। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का स्पेशल चूरमा। चूरमा काफी यूनिक था, इसमें मीठे का लेवल काफी सही था। इसके साथ ही चूरमे में ड्राई फ्रूट भी डाले गए थे। मैंने दाल बाटी को खूब एंजॉय किया। मुझे यहाँ की सर्विस भी काफी अच्छी लगी। इनकी दाल बाटी का स्वाद चखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।